इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज करने लगा, या अली, मैंने जिंदगी में बहुत गलत फैसले किए और बहुत गुनाह किए, उसी की वजह से ही मेरी जिंदगी बहुत खराब हो चुकी है, अब तो जीने का मन भी नहीं करता। इमाम अली ने फरमाया, आज तारीख कौन सी है? उसने कहा, या अली, शाबान के 15 की रात है। इमाम अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से सुना कि इस रात अल्लाह इंसान के पूरे साल के फैसले जो लोहे महफूज पे लिखे हुए होते हैं, अगर उस इंसान के आमाल पहले से बेहतर हो चुके हैं तो अल्लाह उसकी तकदीर को बदला देता है। कितना रिस्क मिलना है, किससे शादी होनी है, कामयाबी मिलनी है या नाकामी, जो जो बातें लोहे महफूज पे तहरीर होती हैं, फरिश्ते उनमें तरामीम करते हैं। तभी इस रात को बेदारी इख्तियार की जाए और बेदार होके अल्लाह की इबादत की जाए ताकि अल्लाह राजी होके इंसान की तकदीर को बदल दे। बस बात यहाँ तक पहुँची तो वो शख्स रोने लगा और रोके कहने लगा, या अली, मैंने गुज़िश्ता जिंदगी में सिवाय नुकसानात के कुछ नहीं देखा, कदम कदम पे सिर्फ और सिर्फ गलत फैसले ही किए और ना ही अल्लाह की इबादत की, तो मैं क्या करूँ? इमाम अली ने कहा, तुम आज रात इशा के बाद किसी मखलूक से बात ना करो और 108 मरतबा सूरह फातिहा और 108 मरतबा सूरह नस्र पढ़ के अपने खालिक से हर वो चीज मांगो जो तुम अपने लिए चाहते हो, वो भले तुम्हारे तकदीर में हो या नहीं, अल्लाह तुम्हें अता करेगा।